दोस्तों आप भी 2024 के अंदर YouTube पर लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हो? जी हाँ, लाइव स्ट्रीमिंग छोड़ो, लाइव स्ट्रीमिंग के साथ साथ 1000 जो सब्सक्राइबर है ना, वो भी आप इजीली कंप्लीट कर सकते हो। कैसे? सारी चीज फुल प्रोसेस बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर, लेकिन बस आपको इतना करना है कि आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, क्योंकि अगर आप पूरा एंड तक नहीं देखोगे तो आपके जो सब्सक्राइबर्स है वो नहीं बढ़ेंगे बिल्कुल से। आप लाइव तो कर लोगे लेकिन सब्सक्राइबर बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे, ठीक है? तो आपको अगर सब्सक्राइबर भी बढ़ाने और लाइव भी करनी है तो कैसे कर पाओगे? तो चलो हम इस वीडियो के अंदर सिखाना स्टार्ट करते हैं। मैं सिखाऊं उससे पहले आपको बस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि यहां पर हमेशा ऐसी इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो लेकर आता रहता हूं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों यहां पर साइड में आपको मेरा मोबाइल स्क्रीन नजर आ रहा होगा, ठीक है? तो दोस्तों यहां पर आप साइड में मोबाइल स्क्रीन देख सकते हो। यहां पर मैं सबसे पहले क्या करता हूं, यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं, ठीक है? यूट्यूब एप्लीकेशन को मैंने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले हमें यहां पर क्या करना है, ये जो प्लस का आइकन नीचे हमें दिखाई देता है ये, ठीक है, इस प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। जैसे हम इस प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे तो हमें यहां पर ऑप्शन दिखाई देता है एक गो लाइव का, ठीक है? इस गो लाइव के ऑप्शन पर हमें सिंपल सा क्लिक कर देना होता है। जैसे हम गो लाइव के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है, ठीक है, जो कि आप देख पा रहे हैं। अब हमें करना क्या है, देखिए सबसे पहले यहां पर ये बोल रहा है टाइटल रिक्वायर्ड, ठीक है? ये सबसे पहले यहां पर क्या बोल रहा है कि भाई टाइटल रिक्वायर्ड, टाइटल यहां पर डालना है आपको। आप चैनल चेकिंग कर रहे हो या क्या कर रहे हो, प्रमोशन कर रहे हो, वो आप यहां पर डाल सकते हो। और अगर आप कुछ नहीं डालना चाहते तो जैसे मेरा लिखा हुआ है पारस का ज्ञान इज लाइव, ऐसे आपके चैनल का जो नाम होगा वो लिखा होगा कि दिस चैनल इज लाइव, ठीक है, तो लिखा मिलेगा। अब आप क्या करना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप चेंज करना चाहो कर सकते हो, ठीक है, नहीं करना है तो बना रहने दो, ठीक है, चेंज करना है तो कट करो और जो भी चाहो यहां से लिख सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों उसके बाद क्या करना है, देखिए दोस्तों यहां पर मान लीजिए हमने टाइटल हम डाल देते हैं लाइव चैनल चेकिंग, चलो यही डाल देते हैं, हालांकि चेकिंग की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, पहले ही बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर हमने डाल दिया, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहां पर अपनी जो विजिबिलिटी है, ठीक है, इस विजिबिलिटी पर ध्यान देना है। विजिबिलिटी हमें क्या करना है, विजिबिलिटी हमें अपनी रखनी है पब्लिक, ठीक है। मैं अनलिस्टेड इसलिए रख रहा हूं क्योंकि मेरा जो नोटिफिकेशन है वो मेरी ऑडियंस के पास पहुंच जाएगा, ठीक है, और मैं अभी लाइव तो कर नहीं रहा हूं इसलिए मैं यहां पर इसको अनलिस्टेड रखा हूं। आपको यहां पर पब्लिक रखना है, ठीक है। अब यहां पर अनलिस्टेड मैं कर देता हूं, बैक आ जाता हूं। आपको यहां पर पब्लिक सिलेक्ट करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां पर पब्लिक करने के बाद यहां पर सेकेंड ऑप्शन जो आता है वो आता है यहां पर आप देख सकते हो ऑडियंस का, ठीक है, ऑडियंस का। यहां पर आपको ऑडियंस सिलेक्ट करनी पड़ती है कि भाई आप जो किस ऑडियंस के लिए जो है अपनी लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है दिस वीडियो इज सेट टू नॉट मेड फॉर किड्स, अगर आप ये बच्चों के लिए लाइव कर रहे हो, ठीक है, तो यहां पर आपको करना है ये फर्स्ट यस इज मेड फॉर किड्स, और अगर आप सभी के लिए कर रहे हो तो नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स, ठीक है, ये अकेले बच्चों के लिए नहीं है, इसे कोई भी देख सकता है, ठीक है। अब उसके नीचे आ जाता है, आपको यहां पर ऑप्शन मिलता है एक एज रिस्ट्रिक्शंस का, ठीक है, एज रिस्ट्रिक्शंस, इसका मतलब क्या है, सेम मतलब है, डू यू वॉन्ट टू रिस्ट्रिक्ट योर वीडियो एन एडल्ट ऑडियंस, यानी कि जो बच्चे हैं क्या आप उनसे दूर रखना चाहते हो अपनी इस वीडियो को, क्यों, क्योंकि हो सकता है कुछ एडल्ट चीज आप दिखा रहे हो लाइव पर, ठीक है। तो आपको यहां पर अगर आप ऐसा करना चाहते हो कि हाँ दूर रहें तो यस, अगर नहीं तो फिर नो, ठीक है। नो करने के बाद यहां पर दोनों चीज सिलेक्ट करने के बाद बैक आना है। बैक आने के बाद यहां पर आपको यहां पर एक नया ऑप्शन यहां पर एड कर दिया गया है, अब इन्वाइट गेस्ट, ठीक है। जैसे हम इंस्टाग्राम पर दो लोग बात करते हैं ना आपस में, एक फ्रेम ऊपर चलता है एक नीचे चलता है, ठीक है, तो वहां पर जैसे हम इंस्टाग्राम पर लाइव किसी से बात करते हैं ठीक वैसे ही यहां पर गो लाइव टुगेदर करके आप जो है यहां से दो लोग जो है लाइव हो सकते हो, ठीक है। अब अगर इसके बारे में प्रॉपर डिटेल वीडियो चाहिए तो कॉमेंट करके बताना, इसके ऊपर प्रॉपर डिटेल वीडियो ला दूंगा, ठीक है। तो इस चीज को भी छोड़ देते हैं। उसके बाद यहां पर आता है डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको जो डिस्क्रिप्शन भरना है वो आप यहां से भर सकते हो। ये ऑटोमेटिक डिस्क्रिप्शन यहां पर मेरा लगा हुआ है, ठीक है, तो लग गया है। आप यहां से जो भी भरना चाहो इसमें डिस्क्रिप्शन में भर सकते हो, वही दो चार चीजें लाइव चैनल चेकिंग या जो भी आप जिस रिलेटेड आप लाइव कर रहे हो वो आपको यहां पर भरना है। उसके बाद आता है लोकेशन का नंबर, ठीक है, लोकेशन आपको अपनी डाल देनी है जिस लोकेशन से आप हो, ठीक है। मैं यहां पर जैसे जालौन डाल देता हूं, ठीक है, जालौन डाल दिया मैंने, मेरी लाइव लोकेशन जालौन है, ठीक है। उसके बाद यहां पर अब देखिए हमें क्या करना है कि अभी अगर आप यहां से लाइव करोगे तो आपका क्या है, आपका फेस लाइव होगा, आपके फोन का कैमरा लाइव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको स्क्रीन लाइव करनी है, अपना जो फोन है ये इसको लाइव करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपके यहां पर जो स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन है, ठीक है, स्क्रीन कास्ट के ऑप्शन को आपको यहां पर इनेबल करना पड़ेगा। जैसे ही आप स्क्रीन कास्ट के ऑप्शन को इनेबल करोगे तो आपकी कैमरे की लाइव खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है, देखिए यहां पर हमें नीचे में
स्क्रीनकास्ट ऑन कर दिया, उसके नीचे जस्ट एक ऑप्शन मिलेगा शेड्यूल फॉर लेटर। अगर आप तुरंत अभी लाइव करना चाहते हो ठीक है तो कोई बात नहीं, अगर आप शेड्यूल करना चाहते हो कि ऑडियंस पर नोटिफिकेशन पहुंच जाए कुछ देर पहले उसके बाद मैं लाइव कर लूंगा ठीक है, तो आपको यहाँ पर शेड्यूल फॉर लेटर पर क्लिक करना है, इसको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद यहाँ पर क्लिक करके आप अपनी टाइमिंग वगैरह सेट कर सकते हो, जैसे डेट मैंने सेट कर दी उसके बाद यहाँ से हम टाइमिंग अपनी सेट कर सकते हैं ठीक है, इस तरीके से सेट कर देंगे ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है जस्ट नीचे, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, एडवांस सेटिंग का ठीक है, एडवांस सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, तो हमें क्या करना है एडवांस सेटिंग पर क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पूछता है, एडवांस सेटिंग पूछ रहा है, अगर आप यहाँ पर चैट अलाउ रखना चाहते हो यानी कि आप जब लाइव करो उसके दौरान लोग आपको मैसेजेस कर पाएं, आप ये चाहते हो तो आपको ये ऑन रखना है ठीक है, अदरवाइज आपको इसको ऑफ कर देना है। अलाउ रिएक्शन मतलब जो आप रिएक्ट देखते हो ना, फायर और जो हर्ट ठीक है, आग वगैरह दिल वगैरह जो लोग क्लिक करते हैं लाइव में, अगर वो आप यहाँ पर ऑन रखना चाहते हो तो ऑन रखो, अदरवाइज इसको भी आप ऑफ कर सकते हो ठीक है। बिल्कुल डिटेल में समझा रहा हूँ क्योंकि भाई बार बार ये चीज़ें नहीं समझाई जाती हैं ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आया दिस कंटेंट पेड प्रमोशन सच एज पेड प्रोडक्ट प्लेसमेंट स्पॉन्सरशिप और एंडर्समेंट ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप अगर अपनी लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान कुछ जो है चीज को प्रमोट कर रहे हो ठीक है, लाइक आप जैसे आपको स्पॉन्सरशिप मिली है किसी एप्लीकेशन की किसी वेबसाइट की, उसको आप अपनी लाइव में प्रमोट कर रहे हो तो आपको ये ऑप्शन इनेबल करना पड़ेगा ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन है इसको इनेबल करना पड़ेगा। उसके नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है इनेबल मोनेटाइजेशन का, अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो आपको ये इनेबल मोनेटाइजेशन का ऑप्शन आएगा, अगर मोनेटाइज नहीं है तो आपको ये ऑप्शन नहीं आएगा ठीक है। इनेबल मोनेटाइजेशन का मतलब क्या है, अगर आपका चैनल मोनेटाइज है और आप इसको ऑन कर देते हो तो जितने लोग आपकी लाइव पर आएंगे ठीक है उसके थ्रू मतलब जो भी व्यूज काउंट होंगे उस व्यूज के हिसाब से जो आपका पैसा बनेगा वो आपको मिलेगा अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो ठीक है, तो आपको ये इनेबल मोनेटाइजेशन का ऑप्शन भी ऑन कर लेना है अगर आपका चैनल मोनेटाइज है ठीक है। उसके बाद यहां पर एक चीज पूछ रहा है ओरिएंटेशन वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल ठीक है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का मतलब कि आप अपने फोन को इस तरीके से अपनी स्क्रीन लाइव करना चाहते हो या इस तरीके से लाइव करना चाहते हो ठीक है, तो आप ये अगर वर्टिकल इस तरीके से रखना चाहते हो तो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल इस तरीके से करना है तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा ठीक है, तो वर्टिकल यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे, स्क्रीन लाइव वर्टिकल में ही ज़्यादा बेस्ट होती है ठीक है, तो वर्टिकल यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें सिंपल सा नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है, जो ये नेक्स्ट का बटन है इस पर हमें सिंपल सा क्लिक कर देना है, जैसे ही हम इस नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दिया ठीक है। जैसे ही हमने नेक्स्ट बटन पर क्लिक किया दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा आपको गो लाइव एंड डन ठीक है, अगर आप अभी तुरंत यहीं से लाइव जाना चाहते हो ठीक है तो यहाँ से आपको गो लाइव के ऑप्शन पर क्लिक करना है, अगर आप यहां से डन करना चाहते हो तो आपको सिर्फ यहां से डन कर देना है ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है थंबनेल लगाने का ठीक है, जो आपने पोस्टर बनाया होगा अपनी लाइव के लिए, तो यहां पेंसिल के आइकन पर क्लिक करके अपलोड थंबनेल पर क्लिक करोगे और यहां से मान लीजिए कि मैंने कोई भी थंबनेल बनाया है ठीक है, जैसे कौन सा थंबनेल निकाल लूँ मैं, चलो मैं यहाँ पर कोई भी लगा देता हूँ, मान लो मैं यही थंबनेल लगा दिया ठीक है फॉर एग्जाम्पल, उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ से सेव कर देंगे ठीक है, तो ये थंबनेल जो है लग जाएगा, ये मेरी ऑडियंस के पास नोटिफिकेशन जब पहुँचेगा तो यही पहुँचेगा ठीक है। उसके बाद हमें क्या कर देना है सिंपल सा डन कर देना है, क्योंकि अगर आप यहाँ से लाइव हो जाओगे तो आपके सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ेंगे ठीक है, यहाँ से डन कर देते हैं, डन कर दिया, डन करने के बाद ये जो लाइव है ये हमारी शेड्यूल हो गई ठीक है। हमें क्या करना है, हमें सिंपल सा आना है अपने क्रोम ब्राउजर के अंदर ठीक है, क्रोम ब्राउजर के अंदर आ जाना है, क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पर इंडिया का स्कोर 316/6 हो गया, इंग्लैंड वाले तो टिक गए है ना, अंग्रेज साले बहुत हरामी है ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे वाई टी स्टूडियो को अपना लॉग इन कर लेंगे ठीक है, वाई टी स्टूडियो को क्रोम के अंदर लॉग इन करेंगे। भाई इतनी डिटेल में आपको कोई क्रिएटर नहीं समझाता है जितनी डिटेल में मैं आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल एक एक चीज छोटी से छोटी चीज समझा रहा हूँ जो मिस ना हो जाए, क्योंकि आप लोग बार बार फिर परेशान होते हो ठीक है। तो यहाँ पर मेरा दूसरा चैनल अभी लॉग इन है, जस्ट आप देख सकते हो ठीक है, तो मैं अपने सबसे पहले मेन चैनल को लॉग इन कर लेता हूँ ठीक है, क्योंकि मेन चैनल लॉग इन कर लूँ वरना आपको दिक्कत होगी ठीक है इस चैनल में समझाने में, भाई लाइव तो आपको उसी चैनल से करके दिखाना है। तो यहाँ क्लिक करेंगे स्विच अकाउंट पर जाएंगे, स्विच अकाउंट पर जाने के बाद कहाँ गया पारस का ज्ञान, पारस का ज्ञान को हमने यहाँ से अपना लॉगिन
कर लिया है, ठीक है। चलो मेरा मेन अकाउंट लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद अब दोस्तों हमें करना क्या है, सिंपल सा देखिए, ध्यान से बिल्कुल देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन शो हो रहा होगा कंटेंट का, ठीक है, साइड में दिखाते हैं। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन शो हो रहा होगा ये वाला कंटेंट का, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, यानी कि आपकी जो वीडियोज होंगी चैनल की वो सारी यहाँ पर निकल कर आ जाएंगी, ठीक है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो सारी वीडियो निकल के आ गई हैं, ठीक है। उसके पास में ही आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा लाइव का, ठीक है। आपको क्या करना है, इस लाइव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। लाइव के ऑप्शन पे आप क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर करना क्या है, देखिए जो आपने अभी लाइव शेड्यूल में डाली हुई है, ठीक है, ये आप देख सकते हो, यही थंबनेल लगाया था मैंने, ये वाली लाइव हमने शेड्यूल में डाली थी। हमें क्या करना है, इस पर हमें सिंपल सा क्लिक कर देना है। क्यों? क्योंकि अभी हमें सब्सक्राइबर्स वाली सेटिंग को ऑन करना है। भाई अभी सब्सक्राइबर्स वाली सेटिंग ऑन नहीं हुई है, ठीक है, हमने ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद अब हमें यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पर नीचे आएंगे, तो नीचे आने के बाद यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर देख सकते हो आप, ये शो मोर का, ठीक है, शो मोर का ऑप्शन दिखेगा। हमें शो मोर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हम शो मोर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखिए, आप अगर इस वीडियो के अंदर कोई चीज़ प्रमोट कर रहे हो तो आपको यहाँ पर पेड प्रमोशन वाला जो ये ऑप्शन है इसको टिक करना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज इसको नहीं टिक करना है। उसके नीचे आपको आना है, यहाँ पर आपको डालने हैं टैग्स, ठीक है, टैग्स में जैसे लाइव चैनल चेकिंग, ठीक है, जो भी मतलब जिस रिलेटेड आप कर रहे हो लाइव, ठीक है, वो आपको यहाँ पर डाल देनी है, ठीक है, वो डाल देनी है। डालने के बाद हमें क्या करना है, सिंपल सा देखिए, यहाँ पर डाल दिया मैंने सब कुछ। सब कुछ डालने के बाद यहाँ पर हमारा कोई काम नहीं बचेगा, सिर्फ हमें इतना ही करना है कि हमें यहाँ पर टैग्स अपने भर देने हैं एक एक करके, ठीक है, टैग भर देने हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर आप देख सकते हो इसको हम सेव करेंगे, ठीक है, ऊपर में सेव का ऑप्शन आ रहा है, इस सेव के ऑप्शन पर क्लिक करके हम जो है इसको सेव कर देंगे। सबसे पहले इसको हम सेव कर देते हैं, सेव कर दिया, ठीक है। सेव करने के बाद अब हमें अपनी सब्सक्राइबर मोड वाली सेटिंग पर चलना है, ठीक है। चलिए हम यहाँ से इसको सेव कर दिया है। सेव करने के बाद हमें यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा जूम करते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये वाला ऑप्शन, हमें सेकंड वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा ये, ठीक है, इस पर हमें क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको शो हो जाएंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो लाइव चैट, ठीक है, पार्टिसिपेट मोड एंड रिएक्शन, ठीक है, और मैसेज डिले। अब चारों चीज़ों को ध्यान से समझाते हैं। लाइव चैट का मतलब क्या है कि आप जब लाइव रहोगे उस दौरान आपकी जो चैट है वो यहाँ पर लाइव रहे, ठीक है। अगर आप चाहते हो लाइव रहे तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है, ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर टिक कर दोगे तो चैट जो है आपकी वो लाइव हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो यहाँ से उसको लाइव कर देना है। एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, यहाँ पर आपकी लाइव चैट रिप्ले का ऑप्शन आपको एक यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, लाइव चैट रिप्ले। यानी इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर जब आप अपनी लाइव को एंड करोगे तो एंड करने के बाद, ठीक है, आपकी जो चैट है अगर कोई बाद में आपकी लाइव स्ट्रीमिंग को ओपन करता है तो भी उसको भी ये चैट दिखेगी, लाइव चैट रिप्ले, यानी कि रिप्ले मतलब दोबारा प्ले, ठीक है, तो भी दिखेगी। अब उसके नीचे आपकी सब्सक्राइबर मोड वाली सेटिंग आती है पार्टिसिपेट मोड्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है हु कैन सेंड मैसेजेस, यानी कि आपको आपकी लाइव के दौरान कौन मैसेज कर सकता है। तो यहाँ पर हमने एनीवन जैसे यहाँ पर सिलेक्ट है, ठीक है, तो इस एनीवन की जगह आपको यहाँ पर क्या कर देना है, सब्सक्राइबर्स, ठीक है, सब्सक्राइबर्स कर देना है। तो वही लोग मैसेज कर पाएंगे जो आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। भाई सब्सक्राइब जब तक वो नहीं करेंगे तब तक आपको वो मैसेज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके जस्ट नीचे आपको ये रिएक्शन वाला ऑप्शन छोड़ देना है, ठीक है। उसके नीचे आपको यहाँ पर मैसेज डिले का एक ऑप्शन नजर आएगा, ये वाला, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब वो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, उसके कितनी देर बाद आपको वो मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 60 सेकंड लिखा हुआ है, यहाँ पर आप इसको 0 सेकंड भी कर सकते हो, ठीक है। जो ये 60 सेकंड लिखा है इसको आप 0 सेकंड कर सकते हो, मतलब जैसे ही वो सब्सक्राइब करे उसके बाद मैसेज कर सकते हो, ठीक है। मैसेज करने के बाद आपको यहाँ से सिंपल सा सेव कर देना है। सेव करने के बाद हमें क्या करना है, सारी सेटिंग्स मैंने बता दी, आपको आना है यूट्यूब में, प्लस के आइकन पर जाना है, गो लाइव पर जाना है। गो लाइव पर जाने के बाद यहाँ पर आपको वो लाइव मिलेगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये आपका जो कॉर्नर है यहाँ पर आपको वो लाइव दिखेगी, इस पर आप क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे तो आपने जो लाइव शेड्यूल डाली है ये आपको यहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है, दिखाई देगी। उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपल सा क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपका जो ये गो लाइव का ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपकी जो मोबाइल की जो मतलब लाइव है वो यहाँ से सिंपल सा
ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपल सी सेटिंग थी जो मैंने आपको बताई है कैसे आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो अपने मोबाइल फोन के थ्रू। ठीक है, बहुत ही इजी वे में बताया है, बहुत इजी इजी स्टेप्स बताए हैं। ठीक है, शायद ये कि इतनी डिटेल में किसी ने आपको जो है सो समझाई होगी, किसी ने इतनी डिटेल में कोई भी वीडियो नहीं बना रखी है जिससे कि आप लोग इस चीज को समझ सको, क्योंकि वो डिटेल नहीं समझाते हैं, वो बता देंगे ये करो वो करो वो करो बस लाइव हो जाएगा। भाई पूरी चीजें समझो, हर एक चीज का यूज होता है, हर एक चीज का बेनिफिट होता है। ठीक है, तो इतने बेनिफिट मैंने आपको गिनवा दिए, इतने बेनिफिट मैंने आपको यहां पर करवाए हैं लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान, तो आपका फर्ज बनता है कि मेरा भी कुछ बेनिफिट हो जाए इससे। क्या बेनिफिट हो जाए भाई? बस आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना है। आपको किसी चीज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, भले ही आप लाइव ना कर पाओ या आपके सब्सक्राइबर डाउन हो रहे हो, आपका वॉच टाइम डाउन हो रहा हो, कोई भी प्रॉब्लम हो एक्स वाई जेड, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर पारस का ज्ञान जो है आप सर्च कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, वहां पर आपको जो है मेरा अकाउंट मिल जाएगा, जो कि अभी नया नया अकाउंट है। ठीक है, उस पर बहुत कम फॉलोअर मिलेंगे, ना के समान। ठीक है, तो वही अपना अकाउंट है, अभी उसको रियल समझना भाई, वही रियल है, क्योंकि अभी मेरे फेक अकाउंट नहीं बने हैं कोई भी। ठीक है, तो बस आपका फर्ज यही है कि जैसे मैंने आपको डिटेल में समझाया है आपके बेनिफिट के लिए, वैसे आप मेरे बेनिफिट के लिए सिर्फ आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर दबा लो, जिससे ऐसी मैं जब इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी और आप उसको देख पाओगे, तो उससे आपका कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो जाएगा, कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको जरूर होगा। ठीक है, तो बस, और अगर आपको अर्निंग प्रूफ, लाइव प्रूफ कुछ भी देखना है कमेंट कर दो यार, तुम कर जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूं भाई। सीधी सी बात ये है भाई, तुम हो तो मैं हूं, मैं तुम्हारे अलावा कुछ हूं ही नहीं भाई। तुम वीडियो देखोगे तो मेरी क्या वैल्यू है? जीरो। ठीक है, तो मेरे लिए हीरो आप लोग हो, मैं खुद हीरो नहीं हूं, आप लोग मेरे हीरो। तो भाई हीरो लाइक मार दो। ठीक है, मिलते हैं फिर, तब तक प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, लाइव कीजिए, सब्सक्राइबर कंप्लीट कीजिए 1000, मिलते हैं फिर। वंदे मातरम, जय हिंद।